पवन सिंह को लेकर तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ बयान दिया है, इसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो दोस्तों, कल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने ऐलान कर दिया कि मैं बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ूंगा। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने खुला ऐलान कर दिया कि मैं बिहार के काराकाट से चुनाव लड़ूंगा तो लड़ूंगा, और बहुत जल्द पवन सिंह बिहार के काराकाट में चुनाव प्रचार करने के लिए जाने वाले हैं। बस 4 से 5 दिन के अंदर में पवन सिंह बिहार के काराकाट में पहुंचने वाले हैं। और बात की जाए बिहार के काराकाट में कब से मतदान होगा, तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूं 1 जून से बिहार के काराकाट में मतदान होगा, यानी वोटिंग पड़ेगा। अब चलिए आप सभी को बताना चाहता हूं उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है पवन सिंह को लेकर। पवन सिंह को लेकर मीडिया ने सवाल किया है उपेंद्र कुशवाहा से, तो उपेंद्र कुशवाहा बोले हैं कि साइंस वाले कॉमर्स का जवाब कैसे देंगे। हाँ तो दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा से ही जबरदस्त टक्कर होने वाला है काराकाट में। अब चलिए आप सभी को बताना चाहता हूँ तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है पवन सिंह को लेकर। जब मीडिया वालों ने पवन सिंह के बारे में तेजस्वी यादव से पूछा तो तेजस्वी यादव बोले कि यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। हाँ तो दोस्तों, पवन सिंह को लेकर तेजस्वी यादव ने कोई कटाक्ष नहीं किए हैं। हाँ तो दोस्तों, यार भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का चुनावी अपडेट आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।